ये बालवीर जी है बॉस, ये तो कोई इडली डोसा है। ए, इडली डोसा किसको बोला? तुमको पता हम कौन? हमारा नाम बाल अप्पा विराम शक्ति विराम परे लोकम चंद स्वामी मुक्त स्वामी मैंने गोपाल अय्यर। ऐसा नहीं चलेगा जी, तुम हमसे उलझेगा तो हम तेरे को धुलेगा। सॉरी 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 बॉस, मैं डर गया, अब आप जाओ। हाँ ओके जी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं मांगता। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बालवीर जी यहाँ थे। बालवीर कभी नहीं आएगा बच्चों, बालवीर मर चुका है। ये जानते हुए भी कही थी आप कितना डर। अरे गई कहा मुझे छोड़ के अकेला? रानी परी, कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे बालवीर लौट आए हैं। काल परी, आज तक जिस किसी को भी न्याय के पत्थर पर सजा मिली है वो वापस लौटकर कभी नहीं आया, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज बालवीर हमारे बीच में नहीं है। कितना अच्छा होगा ना अगर हम सब भी पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाई हो जाए। हो ही जाएंगे क्योंकि हम सब ने मेहनत की है। चलो अब हम अपने पेंटिंग्स रख देते हैं ताकि सर चेक कर पाए। हाँ ये आपने क्या किया? रानी परी, अब आप आम इंसानों जैसी लग रही है, अब वो बुरी परी आपको पहचान नहीं पाएगी। मनोमेर, न्यू टीचर है क्या? गुड मॉर्निंग टीचर। परी, लगता है हमारा रूप बदलने से ये बच्चे हमें देख सकते हैं। हाँ रानी परी, कुछ दिनों पहले जब बालवीर से वो भूल हो गई थी आपने उसे सजा तो नहीं दी थी ना? नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात क्या है कि बालवीर किसी अन्य कार्य में व्यस्त है, इसीलिए वो मदद करने नहीं आ सकते। डोंट परी रानी परी, आज तक आपने हमें प्रोटेक्ट किया है, अब हमारी बारी है। अच्छा रानी परी, अभी थोड़ी देर में हमारी स्कूल छूटने वाली है तो आप हमारा यही इंतजार करना। हाँ, हम यूं गए अब यूं आए, फिर आते ही हम आपको अपने घर लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो बच्चों। बाय बाय बाय। चल मामा। दोनों के वजह से ही हुआ है। मैं आज तुम दोनों का भरता बना दूंगा। देख मोंटू, तूने कुछ भी किया ना तो मैं तो तू मुझे पीट देगी। नहीं, लेकिन तुमने ये सोचा कि मोंटू तुम्हें नहीं पीटेगा, मोंटू तुम्हारा मजाक बनाएगा ताकि तुम जिंदगी भर इसे याद रखो। देख मोंटू, मैं तुम्हारे बाल काटूंगा। मोंटू नहीं, मोंटू ha
मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी अब तुम्हारे बाल काटे। नहीं मॉन्टू, नहीं प्लीज। कौन मॉन्टू? यस वेरी गुड। सॉरी रानी परी, मुझे अपने जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हे रानी परी, कि मॉन्टू हमेशा इन बच्चों को पीटता है, करो कुछ ऐसा कि ये मॉन्टू इन बच्चों से कहे कि मुझे पीटो। खुश रहो बच्चों, शुभ संध्या। गालपरी, गालपरी आप ये क्या कर रही हैं? आप इस तरह से करेंगे तो सबको हम पर शक हो जाएगा, और फिर महाविनाशनी भी अपना रूप बदलकर यहाँ आ सकती है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। सॉरी रानी परी, हमसे भूल हो गई। अरे रानी परी, आप वहाँ पे हंस क्यों रही हैं? अरे गालपरी, हम आप पर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि परिधान के साथ साथ आप पृथ्वी लोक की भाषा भी सीख गए हैं। हाँ रानी परी, पृथ्वी लोक की थोड़ी थोड़ी भाषा तो हमें समझ में आने लगी है। और तुम बिद्दी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। करेक्ट, क्योंकि अब किसी के भी बुलाने पे बालवीर जी आते ही नहीं। और एक बार तुम लोग कान खोल के सुन लेना, अगर किसी ने मेरी जीत के बीच में टांग अड़ाई ना तो देख लेना। ए, चल रहे। किराएदार? हाँ, किराएदार। हाँ, आप दोनों अंदर आ सकती है। ये तो परियां हैं। सही पहचाना दादाजी, ये रानी परी है। मतलब इनका नाम है रानी और इनका नाम है परी, यानी रानी परी। और इन्हें यहाँ पे किराए पर कमरा चाहिए। आप तो उनकी खातिरदारी ऐसे कर रहे हो जैसे वो हमारे किराएदार नहीं कोई रिश्तेदार हो। रिश्ते का तो ऐसा है ना कस्तूरी, बना हो तो बन जाता है। क्या मतलब? हाँ देखो, वो हमारे किराएदार और हम घर के मालिक, लो बन गया रिश्ता, है ना बेटा? बिल्कुल सही कहा बापूजी। क्या सही कहा? जब मैंने आपसे कहा कि महेश रेंट की बात कर लीजिए, तब आपने ऐसा क्यों कहा? ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। वो तो वैसा कहते हैं ताकि किराएदार अपने आप की ज्यादा किराया दे दे, है ना बापूजी? सही कहा बेटा। अच्छा तो किसी के बिना जांच पड़ताल किए उसे घर में कैसे रख सकते हो? अरे वो हमारे महर और मानव के टीचर्स हैं, उसमें क्या जांच पड़ताल करनी, है ना बेटा? सही कहा बापूजी। क्या सही कहा? आप पूछते तो कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते थे। पूछना क्या अस्मिता, शक्ल से ही दोनों सुशील और नेक दिल लगती है। सही कहा बेटा। मैं कुछ नहीं जानती, बस उनकी खातिरदारी बंद कीजिए और सिर्फ इतना याद रखिए कि वो सिर्फ हमारी पेइंग गेस्ट है। अरे तुम समझती क्यों नहीं कस्तूरी, हम उनकी तारीफ करेंगे तो ही हमको रेंट ज्यादा देगी ना, इसीलिए तो कर रहे हैं हम लोग। लो, हनपरी और गालपरी को ढूंढते ढूंढते मैं अपने घर तक आ गई। हो सकता है उन्होंने छुपने के लिए सास सचों का परिवार चुना। वैसे भी अगर वो दोनों यहाँ नहीं मिली तो कम से कम मैं अपने घर वालों से तो मिल पाऊंगा।
सकता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कौन हो तुम? तुम कौन हो? देखा माँ, अब ये कह रहे कि मैं कौन हूँ? नहीं नहीं स्मिता, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, पीछे देखो, उसे पूछ रहा हूँ मैं। माँ, आपको देखकर हमको हमारी माँ का याद आता जी। हाँ हाँ, लेकिन तुम हो कौन बेटा? हमारा नाम बालप्पवीरम, शक्तिवीरम, परिलोकम, चिन्न स्वामी, मुत्तु स्वामी, बेन गोपाल अय्यर है। बस बस बस। हम स्टूडेंट एवीपी विद्या मंदिर में न्यू एडमिशन जी। अच्छा, यानी तुम मानव महल के स्कूल से हो। आई एम वेरी सॉरी रानी परी, आप परिलोक की रानी है, बड़े से महल में रहती है और हमने आपको रहने के लिए इतना छोटा कमरा दिया। आई एम वेरी सॉरी। नहीं महल, ऐसी बात नहीं है, हर परिस्थिति में खुश रहना ही संसार का नियम है। तौबा तौबा, वाह, कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो। बहुत खुश हुई मैं। देखा परियों, इसे कहते हैं सेवा। तुम्हें भी तौबा तौबा की तरह पूरे मन से मेरी सेवा करनी हो। मानकर तुमने अपनी सजा को दावत दी है तौबा तौबा। करेगा तू? बालवीर जी को बुलाएगा? अरे अब तो तुम्हारे बुलाने पे बालवीर जी आते ही नहीं। कोई नहीं आएगा। आओ जी आओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्यों बे? इस मोंटू की तो इसे सबक सिखाने का समय आ गया है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। मानो तो मोंटू को सबक सिखाने की बात कर रहा है, अचानक मानव की हिम्मत कैसे बढ़ गई? नहीं छोड़ूंगा, क्या करेगा? बोल, बोलना। मोंटू को अच्छे से सबक सिखाया जाए। रंजीत अपने दोनों हाथों से मोंटू को उठाए। रंजीत, रंजीत, ओए पापा। अरे मोंटू बॉस, ये कैसे हो गया? इस पिद्दी ने आपको ऊपर कैसे उठा लिया? ए रंजीत, ये तू क्या कर रहा है? तूने मुझे उठाया कैसे? सॉरी मोंटू बॉस, मुझे भी नहीं पता कि मैं
मैंने आपको कैसे उठा लिया? देख रंजीत, मुझे नीचे उतार ले वरना मैं तुझे मार दूंगा, बहुत मारूंगा। रंजीत बस अभी उतारता हूँ, अभी उतारता हूँ। अरे मोंटू बॉस, मेरे मैजिक पावर ने इस मोंटू की अगल ठिकाने लगा दी। जादुई शक्तियाँ, ये जादुई शक्तियाँ मानव के पास कहाँ से आई? मुन्नू, मैंने तो मेरे मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, अब मैं क्या करूँ? तो वो गोली बड़ी फिर से यहाँ पे आ जाएगी, उससे पहले मैं मेहर को ढूंढने निकल जाता हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि मानव के पास ये शक्ति आई कहां से। उठो बॉस। मेहर, मेहर, मानव, माना रुक जा, माना। देखो वो न्यू स्टूडेंट, बोलो क्या काम है? माना, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास वो शक्तियाँ कहाँ से आई? कौन सी शक्तियाँ? अरे जिस शक्तियों से तुमने मोंटू को उसकी गलतियों की सजा दी, वो शक्तियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? देखो अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो। मानो मेरी बात सुनो, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बता दो तुम्हारे पास वो शक्तियाँ कहाँ से आई, किसने दी तुम्हें वो शक्तियाँ? अरे ये क्या जबरदस्ती है, क्यों बताऊं मैं तुम्हें, और तुम हो कौन? मानो मैं बालवीर हूँ। क्या? हाँ मानो मैं बालवीर हूँ। अच्छा तो तुम बालवीर हो, वाह, तो फिर तुम बालवीर के रूप में क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मानो, उस मुसीबत के कारण मैं अपने असली रूप में नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मानो देखो मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगा, प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे पास वो शक्तियाँ कहाँ से जिससे तुमने मोंटू को सबक सिखाया? मेहर, 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 रानी परी, बालवीर, बालवीर, मेहर, रानी परी, बालवीर, वो देखो मेहर और रानी परी। रानी परी, बालवीर, बालवीर जीवित है? आज अनहोनी से होनी हो गई, गाल परी हमारे बालवीर जीवित है। हाँ रानी परी, मैं गाल परी चले, चलो उनके पास चलते हैं। हाँ माना, आखिर तुम बुराई के चंगुल में फंसी गई, क्या लगा था तुम्हें मुझसे बचकर भाग के मुझे हराने की योजना बनाओगी? अरे तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि से बनी महाविनाशिनी हूं मैं। तियां वापस ली जाती है। मिल गई मुझे मेरी शक्ति, अब मैं महाविनाशिनी को उसकी गलतियों की सजा दूंगा। रानी परी को मेरी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन मैं रानी परी को कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, हमें तुम्हारे साथ आता है क्योंकि हमारे पास रानी परी की शक्तियां हैं। हाँ बालवीर,
हम तुम्हारे साथ आते हैं। नहीं मानू मैं, तुम दोनों मेरे साथ नहीं आ सकते। अब क्योंकि अगर मुझे रानी परी को महाविनाशी की कैद से बचाना है तो पूरा ध्यान मुझे वहीं पर लगाना होगा। और अगर तुम दोनों मेरे साथ आए और महाविनाशी ने तुम दोनों पर हमला किया तो मेरा ध्यान तुम दोनों पर भटकने की संभावना है। और इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं ले जा सकता। लेकिन उसकी शक्तियों से तुम अकेले कैसे लड़ोगे बालवीर? रानी परी देखो, देखो तुम्हारे आते ही यहाँ की हवा बदल गई। बुराई यहाँ चैन की सांस ले रही है और सच्चाई अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। रानी परी, वक्त आ गया है इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का। रानी परी शक्ति दो खरी। और ये एक बार पास शिकार तीर कमान, और इसे तो हो जानते तुम पहले से ही है ये मस्तक कवच पूरण कटोला यंत्र। डुबा डुबा है ये यंत्र हमारे बहुत काम के है। मेरे मन में एक योजना आई है। क्या? 3 रुक जाओ महाविनाशनी। तो 1 रानी परी, आगे बढ़ो रानी परी, तुम्हारा अंत तुम्हें पुकार रहा है। हमें अपने अंत का दुख नहीं है मां विनाश, क्योंकि हमें पता है बालवीर जीवित है और अब तक तो उन्हें उनकी शक्तियां भी मिल गई होंगी। हम रहे ना रहे लेकिन बालवीर तुम्हें समाप्त कर ही देंगे। Yeah.
बैठी थी, हमें क्षमा कर दीजिए। आपका बेटा मौत के मुंह से वापस आ गया है, क्योंकि न्याय के पत्थर पर कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलती, और मैं निर्दोष हूँ इसका प्रमाण डुबा डुबा एक है। डुबा डुबा एक? हाँ, डुबा डुबा एक जीवित है, वो देखिए। मैं भी देखता हूँ कि ये पिद्दी कैसे कंपटीशन जीतते हैं। अभी सबके पेंटिंग्स पे पानी डाल दूंगा, देखा क्या? चल पानी चालू कर, क्या गला खाई का। ये मौन तो कभी नहीं सुधरेगा, अभी इसे मैं मजा चखाता हूँ। रोई चालू कर। मौन्टो ही भीगे इस पाइप के पानी से, मौन्टो के कमजोर शैतानी। मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? कि मैं मौका देकर उसे अपने कब्जे में ले सकूं, और अगर महाविनाशी ने वो कठपुतली मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं घायल होने का नाटक करूंगा। मैं किसी हंस के पास गिरूंगा और हुबहू यंत्र की मदद से कठपुतली का नकली रूप बनाऊंगा। और असली कठपुतली वहीं रखकर मैं नकली कठपुतली के साथ वहां से भाग जाऊंगा। महाविनाशी अपनी कठपुतली को पाने के लिए पागलों की तरह मेरे पीछे आएगी, और मैं बड़ी होशियारी से महाविनाशी को काल ब्रह्मांड की ओर ले जाऊंगा। मेरे वहां से जाते रानी परी परितारा की मदद से अपनी सारी शक्तियां फिर से हासिल कर लेगी। ये लो, तुमने मुझे जो बच्चों की नजरों में बुरा बनाया उसके लिए, ये मां परी की मूर्ति पर प्रहार करवाने के लिए तेरा। ये परियों की नजर में मुझे बुरा साबित करने के लिए दस। ये मेरे हाथों डुबा डुबाई को मारने की योजना बनाने के लिए आठ। ये मेरी मां पर मेरे हाथों से वार करवाने के लिए चार। और ये तुम्हारी बुरी योजना को अंजाम देने के लिए तीन। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल ने एक भव्य पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया था और उसमें भव्य बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उन भव्य बच्चों में से हमने तीन बच्चों का सिलेक्ट किया है, तो थर्ड प्राइज जाता है इस जीत के। अब आपके हाथ से विनर का कप भी चला गया और गिज़्मो वॉच भी। वाओ, यस। मानो मेर, कॉन्ग्रेचुलेशन, पेंटिंग अच्छी थी। थैंक यू। वाओ मेर, तुम इस कंपटीशन में जीत गए। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा करके चुका देंगे। हाँ महेश, हम थोड़ी ज्यादा बचत करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह वाह, इसे कहते सच्चा और अच्छा परिवार, है ना बाबूजी? एकदम सही कहा बेटा। चलिए अब चाय नाश्ता करते हैं। मैं लौट आया हूँ दोस्तों, बुराई को मिटाने, सच्चाई को बचाने। अब हर बच्चा मुस्कुराएगा, क्योंकि बालवीर अब बुराई से टकराएगा।
बालवीर हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया और आपको इतनी बड़ी सजा दे दी। नहीं रानी पर, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी किया है सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए किया है, पर अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। बालवीर हमें आप पर गर्व है, आपने अपनी सूझबूझ से महाविनाशनी को हरा कर काल ब्रह्मांड में भेज दिया, उसका वहां से वापस आना अब असंभव है। लेकिन बालवीर हमें अभी भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि बुराई कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। हाँ रानी पति, बिल्कुल सही कहा आपने। भले ही महाविनाश की काल ब्रह्मांड में कैद है, लेकिन उसकी बुरी सोच अभी भी आजाद घूम रही है, और इसीलिए हमें हमेशा उसके बारे में सतर्क रहना होगा। बिजनेस का पेज देना प्लीज। प्लीज, प्लीज। सुनिए वो हॉररस्कोप वाला पन्ना दीजिए ना। ओ हॉरर, जो हॉररस्कोप कहते हैं वही, सेम टू सेम। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? आप देख नहीं रहे हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं? अरे दादाजी वो छोड़िए, ये देखिए, दो साइंटिस्ट ने एक स्पेसशिप पर कब्जा कर लिया और वो स्पेसशिप लेकर गायब हो गए। ये देखिए स्पेसशिप की फोटो भी छपी हुई है, देखिए। अरे रामास्वामी, अब ये पूरा स्पेसशिप हमारा कब्जे में आ गया। अब हमको पूरा विश्वास है कि हम एक नया प्लैनेट ढूंढ लेगा। राजस्वामी आयो, सॉरी जी, सही बोलता राजस्वामी, हम एक नया प्लैनेट ढूंढेगा और उस प्लैनेट का नाम रखेगा रामू राजस्वामी प्लैनेट। अयो वो देखो जी, वो हमको क्या दिखता है, एक नया प्लैनेट लगता है जी। ये मंगल ग्रह तो नहीं है जी? हम मंगल ग्रह पे उतरने वाला पहला इंसान बनेगा जी। चलो हुआ अच्छा कि आ गया मैं भागकर पृथ्वी लोक पर। अब तो महाविनाश ने भी मेरे साथ मेरी रक्षा करने वही पकड़ लेती परिया मुझे और बना देती सच्चा और अच्छा, तो नहीं रहता मैं बुरे लोगों को अपना मुंह दिखाने के भी लायक। गया पचमे, अब आ तो गया मैं यहाँ, लेकिन करूँ क्या, आ नहीं रहा मेरी कुछ समझ में। चलो है एक बात अच्छी कि ले आया मैं महाविनाशनी की जादुई कक्ष से ये जादुई छड़ी चुरा कर। अब इसी की मदद से मैं करूंगा बुरे काम ताकि मिले मुझे चैन और सुकून। विनाश लोक में ये गुफा बनाएगी, जो भी है कोई साधारण शक्ति नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.